षड्यंत्र होता है, जो कॉन्स्पिरेसी होती है वो छुपकर की जाती है, तो ये ईवीएम ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसे जानने की, इसे समझने की जरूरत है। और ये समझाने के लिए देशभर से लेकर कन्याकुमारी तक ये परिवर्तन यात्रा हमने निकाली। ये नरेंद्र मोदी ने सीए का कानून बनाया, एनपीआर का कानून बनाया, एनआरसी का कानून बनाया। कब बनाया? 303 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद बनाया ना। क्या आप लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा लीडर नहीं है? भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा लीडर जो है अटल बिहारी और अडवाणी, वो अपने जीवन में पूरी ताकत लगाकर 182 से ज्यादा सीटें नहीं जीतवा पाया। पूरी ताकत लगाकर 182 सीटों से ज्यादा सीटें नहीं जीतवा पाया। नरेंद्र मोदी ने 303 सीटें कैसे जीतवाई? जब अटल बिहारी और अडवाणी 182 सीटें नहीं जीतवा पाया, नरेंद्र मोदी जो अटल बिहारी अडवाणी का चादर बिछाने वाला कार्यकर्ता है, उसने 303 कैसे सीटें जीतवाई? ईवीएम मशीन में घोटाला करके जीतवाई, ईवीएम मशीन में घोटाला करके चुनाव जीतवाया। और इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये घोटाला इस देश में ईवीएम मशीन का चल रहा है, और ईवीएम मशीन के घोटाले की वजह से नरेंद्र मोदी 303 सीटें जीतवा कर लाया। अगर ईवीएम मशीन से 303 सीटें नहीं जीतवाया होता घोटाला करके, तो सीएए नहीं आता, एनआरसी नहीं आती, एनपीआर नहीं आता। इसका मतलब यह है कि सीएए, एनआरसी, एनपीआर ये ईवीएम मशीन की नाजायज औलाद है। ये जो सीएए का कानून है, एनआरसी का कानून है, एनपीआर का कानून है, ये ईवीएम मशीन की नाजायज औलाद है। ये हमें समझना जरूरी है। मुसलमान सीए का विरोध कर रहे हैं, अच्छी बात है। एनपीआर का विरोध कर रहे हैं, अच्छी बात है। एनआरसी का विरोध कर रहे हैं, अच्छी बात है। मगर ये कानून तो ईवीएम की वजह से आया। ईवीएम इन तीनों कानूनों से सबसे ज्यादा खतरनाक है, इसके बारे में विरोध होना चाहिए। और अगर इसको खत्म करने के लिए मुसलमान सारे देश भर में पहल नहीं करेंगे, तो ये जो तीन कानून आए ये अभी खत्म नहीं है, आगे बहुत खतरा बढ़ने वाला है आप लोगों का। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसको खत्म करो। आप लोगों का वोट जीरो कर दिया ईवीएम ने, आप लोगों का वोट, मुसलमानों का वोट वैल्यू जीरो हो गया। जीरो हो गया तो आप लोग भविष्य में अपना डिफेंस, अपनी सिक्योरिटी करोगे कैसे? अरे वोट का अधिकार है जिससे आप अपनी सिक्योरिटी कर सकते हैं, वो वोट का अधिकार नहीं बचा पाओगे तो कहां की सिक्योरिटी होगी? इसे समझने की जरूरी बता हूं, इसे जानने के लिए बता रहा हूं। 2004 2009 में कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता। ये घोटाला लोगों को मालूम ना हो इसलिए आरएसएस बीजेपी से समझौता किया। ये समझौते की वजह से दिल्ली में कांग्रेस ने समझौता किया, इसकी वजह से दिल्ली में बीजेपी सत्ता में आई। ये समझना जरूरी है, ये जानना जरूरी है। और ये जानने से आपको पता चलेगा हमें आगे भविष्य में करना क्या होगा, क्या नहीं करना होगा, ये आपको बता रहा हूं। अब आपको मैं सीए के बारे में, एनआरसी के बारे में और एनपीआर के बारे में कुछ बातें आपको समझाना चाहता हूं। उसे समझना बहुत जरूरी है। सीएए पाकिस्तान का नाम बताकर नरेंद्र मोदी ने कानून बनाया। नाम किसका लिया? पाकिस्तान का। पाकिस्तान में जैन, बुद्धिस्ट, हिंदू, पारसी, सिख, क्रिश्चन, इन लोगों पर अत्याचार होगा, और वो नागरिक अगर भारत में आएंगे तो आने के बाद उनको नागरिकता देंगे। इसके लिए कानून बनाया, ऐसा नरेंद्र मोदी सारे देश के लोगों को बताता है। सारे देश के लोगों के सामने देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? झूठ बोलता है कि अगर
नागरिकता देने के लिए कानून बनाया, नागरिकता छीनने के लिए कानून नहीं है, नागरिकता देने के लिए है ऐसा प्रधानमंत्री कहता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं 2015 में नरेंद्र मोदी ने 43,000 लोगों को नागरिकता दी, सीए कानून नहीं था। 43,000 लोगों को नागरिकता दी और सीए का कानून नहीं था। कानून जो है फिर कौन से कानून के तहत नागरिकता दी? 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है उसके आधार पर दी। अगर 1955 के कानून के तहत 43,000 लोगों को नरेंद्र मोदी ने नागरिकता दी तो इसका मतलब है सीएए का नया कानून बनाने की जरूरत नहीं। नागरिकता देने के लिए नया कानून बनाने की जरूरत नहीं थी, क्यों बनाया यह रहस्य, यह रहस्य जानना बहुत जरूरी है। इस कानून में एक विशेषता है, इसमें मुस्लिम शब्द को डिलीट किया गया है। आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, बात समझ में आनी चाहिए। काय के लिए डिलीट किया? तो उनका कहना है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी के जो लोग हैं उन पर अन्याय होता है, और वो अन्याय सहने वाले लोग अगर भारत में आते हैं तो उनको नागरिकता देंगे। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 14 अगस्त 1947 को ब्राह्मणों ने भारत के टुकड़े किए, जवाहरलाल नेहरू ने बीबीसी के इंटरव्यू में बताया, उसका वीडियो हमारे पास है, उन्होंने कहा मुस्लिम लीग के परेशानी की वजह से हमने पाकिस्तान बनाया। जवाहरलाल नेहरू खुद ही कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान बनाया, मगर सारे देश भर में पाकिस्तान बनाने के लिए मुसलमानों को दोष दिया जाता है, और जवाहरलाल नेहरू ने बीबीसी के इंटरव्यू में कहा कि हमने बनाया। इसका मतलब यह है कि इसके पीछे एक साजिश थी, उन्होंने पाकिस्तान बनाया, बाकी भारत पर ब्राह्मणों का कब्जा हो इसके लिए किया। फायदा किसको हुआ? पाकिस्तान का करने का फायदा। तो कानून है, क्रिमिनल कानून है, कभी कभी क्रिमिनल कानून में ये माना जाता है जिसको फायदा होता है वो अपराधी होता है। इसके लिए उन्होंने ये फायदा करने के लिए, उनको फायदा हो, भारत पर ब्राह्मणों को कब्जा करने का मौका मिले, इसके लिए भारत का विभाजन किया। उस दौरान भारत के कुछ मुस्लिम पाकिस्तान गए, वहां पर उन मुसलमानों को मुहाजिर कहा जाता है, मुसलमानों को भी मालूम है मुहाजिर कहा जाता है, और वो मुहाजिर भी वहां अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी में है, उन पर भी अत्याचार होता है। अगर वो भारत में आना चाहते हैं तो उसके लिए कानून में प्रावधान होना चाहिए था, उसके लिए सीएए कानून में प्रावधान होना चाहिए था। उनके ऊपर भी अगर अन्याय होता है, अगर वो आता है उनको भी नागरिकता दी जाएगी, ऐसा कानून होना चाहिए था। ऐसा होने से क्या होता? किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। भारत के संविधान के अनुसार, आर्टिकल 14 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति के धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, मगर यहां मुसलमान को, मुसलमान होने की वजह से इस कानून में मुसलमानों को डिलीट किया गया है। इसके पीछे क्या रहस्य है? इसके पीछे का रहस्य क्या है? इसके पीछे का रहस्य है कि आरएसएस बीजेपी के लोगों ने सोचा यदि मुसलमानों को डिलीट करेंगे सारे देश भर के मुसलमान विरोध करेंगे, और अगर विरोध करेंगे तो भारत में हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा हो जाएगा, हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करने का मौका मिलेगा। और हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करने से क्या होता है? हिंदू मुसलमान के मामले से जो अल्पसंख्यक ब्राह्मण हैं, 3.5% ब्राह्मण हैं, उनको बहुसंख्यक होने का मौका मिलता है। अन्यथा ब्राह्मण प्रचार करके हिंदू की संख्या नहीं बढ़ा सकता, ब्राह्मण पैदा करके अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकता। तो इसीलिए वो हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह का कानून बनाया। ये एक षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र हम लोगों को समझने की जरूरत है सीएए के पीछे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री ने कहा
ये कानून नागरिकता देने के लिए है, नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। मगर मैं सबूत के तौर पर आपको आंकड़ा बताता हूं, आसाम में जब एनआरसी लागू की गई तो 19,48,000 लोगों को अधिकार से वंचित कर दिया गया। उसमें 5,00,000 मुसलमान हैं, 14,48,000 SC ST OBC के लोग हैं। इसका मतलब है मुसलमानों से 3 गुना ज्यादा SC ST OBC के लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया गया। जब मुसलमानों के विरोध में फसाद करने का मामला आता है तो ये ब्राह्मण इन SC ST OBC को कहते हैं तुम बढ़िया हिंदू हो। मुसलमान को विरोध करने का मामला आता है तो कहते बढ़िया हिंदू हो। अधिकार देने का मामला आता है तो कहते हैं तुम नालायक हो, तुम्हारे पास मेरिट नहीं है, तुम लायक नहीं हो। ये बात आप लोगों को समझने की जरूरत है, ये बात जानने की जरूरत है, ये बात समझने की जरूरत है। और इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आसाम में 5,00,000 मुसलमानों को NRC में निकाला, नागरिकता के अधिकार से वंचित किया और 14,48,000 SC ST OBC के लोगों को निकाला। तो इसका मतलब है केवल ये मुसलमानों का मामला नहीं है, जो SC ST OBC के लोग ऐसा मानते हैं कि ये केवल मुसलमानों का मामला है, गलत बात है। ये मुसलमानों का अकेले मामला नहीं है, ये मामला SC ST OBC के लोगों का भी है। और इसलिए ये SC ST OBC का भी मामला है तो उन लोगों को इस काम में इस्तेमाल वो लोग ना कर सके, इसलिए उनको जगाने की जरूरत है। सारे देश भर में ये बात भी बताया जाना जरूरी है, ये बात भी जानना जरूरी है। इससे सिद्ध होता है कि प्रधानमंत्री कि नागरिकता छीनने का नहीं है, ये तो नागरिकता छीनने का मामला हो गया है, ये नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। अरे जो पाकिस्तान से दुखी होकर आएंगे, अभी कुछ लोग आए थे अमृतसर में, हरमंदर साहब में दर्शन के लिए आए थे, उन्होंने अखबार वालों ने उनको पूछा कि ये जो CAA का कानून बना जिसमें नागरिकता देने के लिए कहा जा रहा है इस पर आपका क्या कहना है, कहा सियासत है, सियासत का मतलब ये राजनीति है। और राजनीति कैसे है तो वो पाकिस्तान से अमृतसर आए हुए लोग कह रहे थे कि हमको वीजा तो भारत सरकार देता नहीं है, नागरिकता कहां से देगा, हमको वीजा नहीं देते, नागरिकता देने की बातें कर रहे हैं, अरे वीजा नहीं देते हमको, भारत में दर्शन करने के लिए आना है तो उसके लिए वीजा नहीं देते, तो नागरिकता कहां से देंगे। उन्हें सिद्ध करना होगा पाकिस्तान में उन पर अन्याय होता है, अरे अन्याय होने वाला आदमी भाग कर आता है तो डॉक्यूमेंट लेकर आता है क्या, कहां से प्रूव करेगा। तो ये बातें हम लोगों को समझने की जरूरत है, ये सारा झूठ का प्रोपोगंडा किया जा रहा है, मीडिया उनके पास है इसलिए झूठ बातें बोली जा रही है। अभी मैं आपको NPR के बारे में बताना चाहता हूं, NPR क्या है। आप लोगों को NPR के बारे में कहा जा रहा है कि NPR में आपको कहां डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, तो आपको भ्रम पैदा किया जा रहा है। आपको बताना चाहता हूं, आपको जानकारी हो इसलिए बताना चाहता हूं, NPR में जब कोई प्रगणक आपके घर में आएगा तो आपको पूछेगा आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, उम्र क्या है, वो दादा आपका कहां पैदा हुआ था, आपका बाप कहां पैदा हुआ था। तो डॉक्यूमेंट की क्या सिचुएशन है हमारे देश में, आपको उदाहरण देता हूं। दादी को पूछो, दादी मेरा बाप कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, तो दादी कहती है कि ईद का दिन था और बरसात हो रही थी, बिजली चमक रही थी, तो तेरा बाप पैदा हुआ बेटा। अरे सारे देश का मामला ये है, जो SC ST OBC के लोग हैं उनको पूछो, वो पूछते दादी मेरा बाप कब पैदा हुआ, कहा दशहरे का दिन था, दिवाली का दिन था, फटाके बहुत बज रहे थे, तो तेरा बाप पैदा हुआ।
अच्छा ऐसा है दादी। दिवाली तो हर साल आती है दादी, ये कौन से साल की दिवाली थी, ये कौन से साल की ईद थी, ये तो पता नहीं बेटा, मगर ईद के दिन पैदा हुआ तेरा बाप, ये गारंटी से कहती है। बरसात थी, बिजली चमक रही थी, ये दादी तेरे को कैसे पता? आगे बिजली जब चमकती है तो खिड़की दरवाजे से भी प्रकाश अंदर आ जाता है, लाइट अंदर आ जाता है, तो मुझे याद है बेटा, इसलिए कह रहे, पूरा गारंटी से कह रहे। कागज है दादी? कागज कहाँ है, तो दिवाली और दसरा और ईद के दिन पैदा हुआ, उसका कोई कागज नहीं है, किसी के पास भी कागज नहीं है। नरेंद्र मोदी की माँ 85 साल के, पूछो कागज है? अरे किसी के पास भी नहीं है तो नरेंद्र मोदी के माँ के पास कहां से कागज होगा, क्योंकि कागज का सिस्टम ही नहीं था। हमारे देश में जब अंग्रेज आए, देखो आपको उदाहरण के लिए, अंग्रेज आए तो उन्होंने देखा अजीब किस्म के लोग है भाई, इनको समय का कोई मूल्य ही नहीं, तो चौराहे पर घंटा घर लगाया, वाच लगाया हुआ, तो कोई वाचता इन देखता ही नहीं था, वो वाच जो बड़ी लगाया चौराहे पर कोई आदमी देखता ही नहीं था, तो अंग्रेजों ने वो वाच में घंटा लगाया, 1, 2, 3 साले तुम देखो या मत देखो तुमको मालूम जरूर हो जाएगा, 1 बज गया 2 बज गया 3 बज गया। ये तो अंग्रेजों ने हमारे देश में आने के बाद ये जनसंख्या का डाटा इकट्ठा करने का काम शुरू किया, पहले तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था। और भारत सरकार ने 1969 को 69 को कानून बनाया, जन्म प्रमाण पत्र का 85 में लागू किया। अरे जब 85 में लागू किया, हमारा आदमी सरकार के पास जाएगा, सरकार को पूछेगा हमारा जन्म प्रमाण पत्र का कागज, तो सरकार के पास ही कागज नहीं था, सरकार के पास कागज नहीं है और सरकार लोगों से कागज मांग रही है। जब सरकार के पास ही कागज नहीं है और सरकार हम लोगों को कागज मांग रही है, अजीब किस्म की बात है। अब सरकार कहती है हम लोग विदेशी घुसपैठियों को भारत से भगाना है, तो हम कौन सा समर्थन कर रहे हैं? अगर कोई विदेशी घुसपैठिया भारत में घुस गया है तो निकालो, हम क्या कह रहे हैं उसको रखो निकालो। अरे मगर एक घुसपैठी को पकड़ने के लिए 132 करोड़ को परेशान क्यों कर रहे हो? कौन से कानून के तहत परेशान कर रहे हो? चोर को पकड़ना है, 1000 की बस्ती है तो पुलिस वाला चोर को ही पकड़ेगा या 1000 लोगों को परेशान करेगा? अजीब किस्म का कानून है, ऐसा तो कोई कानून है नहीं कि 1000 को परेशान किया जाए, ऐसा कोई किसी प्रकार का कोई कानून नहीं है। एक और भी बात आपको बताना चाहता हूं, अगर किसी के ऊपर आरोप है, पुलिस किसी को पकड़ के ले जाती है और पुलिस चौकी में उसकी पिटाई करती है कि तूने ही हत्या की, बोलता मैंने तो नहीं की, दूसरे दिन भी पिटाई करती है, कहता है लिख के देते हो क्या कि मैंने की, फिर तीसरी बार पिटाई करता है, वो जबरदस्ती से उससे लिखवाया जाता है, फिर मैजिस्ट्रेट के पास जाता है, मैजिस्ट्रेट पूछता है ये तूने लिख कर दिया, ये तेरे को मंजूर है कि तूने हत्या किया? नहीं, ये तो डंडे मारने की वजह से लिख कर दिया। मैजिस्ट्रेट के सामने वो आदमी कहता तो डंडे मारने की वजह से लिख कर दिया, तो जो डंडे मार कर लिखा जाता है, लिखवाया जाता है, उसे सही नहीं माना जाता। अब एनपीआर में आपसे जानकारी ली जाएगी, आपसे ही जानकारी ली जाएगी, और लेने के बाद तहसीलदार ऑफिस में लेके जाएंगे, लेके जाने के बाद वहां जब उनको लगेगा कि ये आदमी के दादा का कोई कागज उपलब्ध नहीं है, तो उसमें डी मार्क होगा, डी का मतलब है डाउटफुल सिटीजन, हो गया, लग गया डी, डी लगते ही आपका मामला शुरू हो गया, आपका सत्यानाश का मामला शुरू हो गया। डी कैसे लगता है? आप जानकारी दोगे तो लगता है, जानकारी नहीं दोगे लगने का सवाल नहीं है। अगर आपने जानकारी दी तो उसके आधार पर लगेगा डी, जानकारी आपने नहीं दी तो डी नहीं लगेगा, और डी लगने के बाद नोटिस आएगा, नोटिस आने के बाद आपको कहा जाएगा कि आपका दादा कहां पैदा हुआ उसका दस्तावेज दो, उसके बाद होगा। तो इसलिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, एनपीआर में किसी प्रकार का कोई भी बातचीत आपको करना नहीं है,
तो इंडिविजुअल लेवल पर आप रोक नहीं लगा सकते, इंडिविजुअल लेवल पर आप रोक नहीं लगा सकते, तो आपको मोहल्ला लेवल की कमिटियां बनानी होगी। हमने बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा 29 जनवरी को भारत बंद करवाया था और उसके बाद अभी 26 मार्च को भारत बंद करवाया गया है। तो इसके लिए सारे देश भर में मोहल्ला कमिटियां बनाई जा रही है। ये जो मोहल्ला कमिटियां है, ये मोहल्ला कमिटियां जब बनेगी तो उसमें 11 लोगों की कमिटी बनाओ, जो भी प्रगणक आएगा वो किसी के घर में नहीं जाएगा, वो जो कमिटी है वो कमिटी से बात करेगा, कमिटी वाले उनको बोलेंगे इधर जाने की जरूरत नहीं, इधर ये बस्ती ने निर्णय लिया बायकॉट करने का, हम लोग किसी को कोई जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग होंगे, समझदार लोग होंगे, वो बातचीत करने वाले लोग होंगे, और वो जो कमिटी है वो लोग उनको जवाब देंगे, प्रगणक को जवाब देंगे। ये कमिटी जो राष्ट्रीय स्तर का बहुजन क्रांति मोर्चा की जो कमिटी है, नेशनल कमिटी है, नेशनल लेवल पर बायकॉट आंदोलन जो शुरू किया जा रहा है, ये उसकी कमिटी होगी। अगर आपने आइसोलेशन में कमिटी बनाई, अगर आप आइसोलेशन में अकेले में काम किया, ये मामला राजमंत्री का नहीं है, ये मामला एक जिले का नहीं है, सीए का कानून, एनपीआर का कानून नेशनल लेवल का है। अगर आप लोकल लेवल पर उसका विरोध करोगे तो सरकार की मशीनरी के सामने आपका निभाव लगने वाला नहीं है। राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन खड़ा करना होगा, राष्ट्रीय स्तर का, और नरेंद्र मोदी वर्सेस भारत की लड़ाई शुरू होनी चाहिए। ध्यान रखो, नरेंद्र मोदी वर्सेस भारत सरकार, नरेंद्र मोदी वर्सेस भारत के लोग, ऐसी लड़ाई अगर आप शुरू करोगे तब जाकर के इसका विरोध कर सकते हो। आइसोलेशन में अकेले अकेले करोगे तो सरकार के सामने अकेले अकेले कोई टिकाव लगने वाला नहीं है, ध्यान रखो। अब एनपीआर की जानकारी देने के बाद एनआरसी आएगी, एनआरसी में आपको नागरिकता के अधिकार से वंचित करने का कानून है, तो एनपीआर को ही रोको, एनआरसी आने का सवाल ही नहीं है। अगर एनपीआर रोक दिया तो एनआरसी आएगी ही नहीं, दो चार पांच लोग करेंगे तो सरकार जबरदस्ती कर सकती है, अगर सारा देश उठकर खड़ा हो जाएगा तो सारे देश का मुकाबला नहीं किया जा सकता, मुकाबला नहीं करेंगे, ऐसा करना होगा, ये करना होगा। इसके लिए हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब और हमने ये कॉल दिया सारे देश भर में, सारे देश भर में पिछले बार कॉल दिया था, लाखों संगठन के लोग इसके साथ लग गए थे, और अब की बार उससे कई ज्यादा मामला होगा, ग्रास रूट लेवल पर यह मामला हम लोग लेकर जाएंगे। हमारा संगठन 31 स्टेट में चल रहा है, 542 जिलों में चल रहा है, 3,500 तहसीलों में चल रहा है, 22,000 ब्लॉक में चल रहा है, 1.5 लाख गांव में चल रहा है, ये हमारा अपना एक संगठन है, और हजारों हजार संगठन, लाखों संगठन मिलकर लड़ने का मामला है। अगर सारे लोग मिलकर ये लड़ाई हम लड़ते हैं तो निश्चित रूप से इसका मुकाबला करना संभव है, ऐसा करना होगा। ऐसा करने के लिए सारे देश के लोग मिलकर करने के लिए, सारे देश के लोग मिलजुल कर लड़ने के लिए अगर तैयार होते हैं तो सफलता आपको मिलेगी, ऐसा करना होगा। कितने लोग तैयार हैं ऐसा करने के लिए, आप खड़े करें, चलो सभी लोग तैयार हैं, सभी लोग तैयार हैं तो आप लोगों को सफलता मिलेगी। 50% तो आज ही मिल गई, 50% आपने हाथ खड़ा कर दिया, यही मिल गई 50%। अब 50% मोहल्ला कमेटी बनाते ही मिल जाएगी, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो करेगी मोहल्ला कमेटी करेगी, मोहल्ले के लोग कमेटी वाले देखेंगे, और राष्ट्रीय स्तर पर मैं और हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी देखेंगे, आपको सारे देश भर में हम इसको देखेंगे। तो ये लड़ाई इस तरीके से लड़नी होगी। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जिस किसी को इंडिविजुअल अमाउंट देना है वो दे सकते हैं, जैसे कलेक्शन किया है इतना।